हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आइज़ की क्विज़, जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें जो आपको क्विज़ देखने को मिलती है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो अप टू हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग ये सारी क्विज़ को नहीं सॉल्व किए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर सॉल्व कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस मंथ की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के साथ और यहाँ पर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये एक पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे प्राइमरली आप देखोगे कि इस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो को स्टडी करने के पर्पस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो भी डीप केप में। और ये कौन से आपका देखने को मिलेगा, तो एक थेनी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उसी में है। और साथ ही साथ ये एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है जो कि फुल्ली फंडेड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सही है। ये जो हमारी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ये एक फिजिकल आपको देखने को मिलेगा कि पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, और ये स्टडी करेगी कि एटमोस्फेरिक न्यूट्रिनोज को, वो भी डीप केव में, यानी कि बहुत ही गहराई वाली आपको केव में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये आपका जो है थेनी में है, आयनो पिक में, वो भी थेनी में, जो कि तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन ए हो गई। अब आगे आते और देख लेते जो सेंटर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि तमिलनाडु में है। इंडिया बेस्ड है, ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स है, जो कि एम है इसका कि वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को यहाँ पे बिल्डअप करना है। और रॉक कवर आप देखोगे तो अप्रॉक्स यहाँ पे 1200 मीटर तक है। ये एक मेगा साइंस प्रोजेक्ट है कि जॉइंटली यहाँ पे फंडेड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे फंड कर रहे हैं, कोई एक अकेले फंड नहीं कर रही है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपके न्यूट्रिनोस के बारे में है। तो आइए देख लेते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि जो न्यूट्रिनोस है, ये मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल है हमारे यूनिवर्स में। सेकेंड है कि जो न्यूट्रिनोस है, ये इसमें आप देखोगे कि कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये होल्ड करके रखती है, साथ ही फंडामेंटल क्वेश्चंस भी है कि यहाँ पे हमारे ओरिजिन किस तरीके से, हमारे यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिन हुई थी, साथ ही एनर्जी प्रोडक्शंस कैसे यहाँ पे हमारे स्टार्स में होती है। तो ये सारी एक बिग क्वेश्चन है जो कि आपको न्यूट्रिनोस में देखने को मिलेगा। थर्ड है कि ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, यानी कि कोर ऑनवर्ड से आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा कहा जा रहा है कि न्यूट्रिनोस जो है वो मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल है यूनिवर्स में। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर अगर आप लोग यहाँ पे समझ जाते हो कि ये इनकरेक्ट है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बी हो गई। आइए अब डिटेल में देखते हैं। न्यूट्रिनोस आप देखोगे कि फर्स्ट यहाँ पे प्रपोज किया गया था एक स्विस के साइंटिस्ट थे, वो भी 1930 में। और सेकंड मोस्ट ये वाइडली अकरिंग पार्टिकल्स हैं, सिर्फ यहाँ पे किसके बाद, तो यहाँ पे फोटोन के बाद। फोटोन सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाया जाता है, उसके बाद न्यूट्रिनोस है। ओके, साथ ही साथ न्यूट्रिनोस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेवरल जो आपकी की है उसको होल्ड करके रखती है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। साथ ही अनदर इंपॉर्टेंट पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिनोस को देखोगे तो ये एरिया ऑफ न्यूट्रिनो टोमोग्राफी ऑफ द अर्थ में है, जो कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को। तो ये पॉसिबल है हमारे न्यूट्रिनोस के साथ, और ये एक ओनली पार्टिकल्स है जो कि हम लोग प्रोब कर सकते हैं और इसको अर्थ के डीप तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बतानी है और टॉपिक है वॉइस ओवर वाईफाई, यानी कि वो वाईफाई आप लोग देखे हो, तो वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कि जो वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी है, ये यूज़र को अलाउ करती है कि आउटगोइंग कॉल्स हो, साथ ही साथ किसी भी मोबाइल फ़ोन नंबर में, और यहाँ पे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके या फिर कोई भी प्राइवेट होम वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करके। सेकेंड है कि इस तरीके के जो आपका वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस है, इसको यूज़ करके जो है यूज़र्स जो है लैंडलाइन नंबर पर कॉल नहीं कर सकते। थर्ड है कि सारे 4G कंपैटिबल जो स्मार्टफोन्स हैं वो ये वॉइस ओवर वाईफाई को सपोर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे एक तो करेक्ट स्टेटमेंट है तो वो आपको बताना है। तो अगर आप लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते भी हो तो इसके बारे में अगर आप लोग जानते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें ये समझ में आ गया कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी जो है बिल्कुल से करेक्ट इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन में है। अगर सेकेंड ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस है, इसको इस्तेमाल करके आप लोग लैंडलाइन नंबर पर कॉल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कहाँ लिखा है कि आप लोग लैंडलाइन नंबर पर कॉल नहीं कर सकते हो? आप लोग किसी भी हैंडसेट पर
कॉल कर सकते हो या फिर लैंडलाइन नंबर पे कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट आंसर जो है सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन दोनों हो गई। इट मीन्स कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर इसकी इंट्रोडक्शन आप देखोगे तो दिल्ली NCR वाले रीजन में भारतीय एयरटेल है जो कि कमर्शियली इसको रोल आउट की थी वॉइस ओवर वाईफाई को, और एयरटेल वाईफाई कॉलिंग भी थी वो मुंबई, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले रीजन में। वॉइस ओवर वाईफाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये यूज़र को अलाउ करती है कि आप कहीं भी किसी भी फ़ोन में लैंडलाइन हो या कुछ भी आप उसमें कॉल कर सकते हो, और यहाँ पर पब्लिक वाईफाई को हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके या फिर आपका प्राइवेट होम वाईफाई नेटवर्क है तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। ये सर्विस में आपको कोई भी कॉल कॉस्ट नहीं लगता है, यानी कि आपको कॉस्ट कॉलिंग जो है इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। मिनिमल बस आपका डेटा यूज़ होता है, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप कॉल करते हो तो आपके जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आप नहीं देते हो, बस आप क्या करते हो कि जो भी आपका डेटा इस्तेमाल करते हो तो उसमें से आपका कुछ जो है वो डेटा जाता है। ओके, पूरी तरीके से आपका जो है उसमें आपका कोई भी पैसे नहीं लगते, तो बस वही चीज़ है ये आपका वॉइस ओवर वाईफाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो ये है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, साथ ही साथ रिजल्ट है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, ये आपका साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियर फैक्टर्स को लेकर। साथ ही अगर देखें तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक है जो कि लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और कंट्रोल इस तरीके के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, यानी कि कंट्रोल भी करना है प्रिवेंट भी करना है, तो इसलिए यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इतने सारे डिजीजेस का आपका लॉन्च किया गया था। तो आपको यहाँ पे बताना कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई है, तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, इट मींस कि बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अब डिटेल में देख लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इसको हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक नहीं रहता है, तो ये हमारी गलत हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ये आपको जेनेटिकली भी होती है, साइकोलॉजिकल होता है, इन्वायरमेंटल होता है या फिर बिहेवियर फैक्टर्स के कारण भी होता है। मेन टाइप का आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ देखोगे तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ होती है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक है, कैंसर है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ भी है। तो इसी को देखते हुए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ स्ट्रोक जो है 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, वो भी 100 डिस्ट्रिक्ट में और हमारे 21 स्टेट्स में। ओके, अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे है आपका माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इससे आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है कि स्प्रेइंग द बॉडी और पार्ट्स ऑफ व्हीकल और एनी अदर मशीन जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक डॉट्स है, तो वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसकी। सेकेंड है कि माइक्रो डॉट जो है वो इजिली विजिबल होता है आपका डिस्टेंस कब तक, तो यहाँ पे व्हीकल से आप 10 फीट तक रहोगे तो वो माइक्रो डॉट आपको विजिबल होगा। थर्ड है कि जो माइक्रो डॉट है इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते बिना व्हीकल को डैमेज किए हुए। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सी है। तो आइए देख लेते, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग विजन आईएएस में भी साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में इसको डिस्कस किए थे कि माइक्रो डॉट जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम लोग बॉडी में स्प्रे करते हैं, जैसे कि आप लोग कलर वगैरह करते हो अपने व्हीकल में तो उसमें स्प्रे करके भी कलर करते हो, या फिर किसी भी व्हीकल के पार्ट्स में भी कलर करते हो, स्प्रे करते हो, या फिर कोई और भी मशीन है जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक डॉट्स होता है, तो ये इनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइक्रो डॉट्स जो है ना व्हीकल से वो 10 फीट तक आपका विजिबल होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 10 फीट तक जो है आपका माइक्रो डॉट विजिबल होगा? तो इस तरीके से कॉमन सेंस से भी आप ये ऑप्शन निकाल सकते हो। तो एक बार आप इसको एलिमिनेट कर दिए तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, इट मींस कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करी है कुछ रूल जो कि माइक्रो डॉट को फिक्स करने के लिए, वो भी मोटर व्हीकल्स में और उनके पार्ट में। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है जिन्होंने कहा है कि माइक्रो डॉट जो है हमारे व्हीकल की सिक्योरिटी को एनहेंस करेगी, जो इनविजिबल माइक्रो डॉट्स है ना वो अब यहाँ पे फिक्स होकर आएगी, यानी कि व्हीकल में ऑलरेडी आपका फिक्स होगी, उनके पार्ट्स भी, जिसके थ्रू जो है चोर अगर उनको चोरी करना चाहे तो ये माइक्रो डॉट से जो है ये पता चल सकेगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका फेक पार्ट्स भी लगाया जाता है, गलत पार्ट्स भी अगर लगाया जाता है तो उसको इस माइक्रो डॉट जो टेक्नोलॉजी है उससे पता चल जाएगा। तो माइक्रो डॉट जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपके बॉडी को स्प्रे करना या फिर कोई भी पार्ट्स के व्हीकल को या फिर आपका कोई भी अदर मशीन है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी यूनिक आपकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन जो कि है स्नोएक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कितना आपका वाटर जो है उसमें हर एक विंटर जो आपका आता है विंटर स्नोफॉल में, तो स्नोफॉल में आपकी कितनी वाटर प्रेजेंट होती है और कितना ये अवेलेबल होता है जब ये मेल्ट हो जाता है स्प्रिंग में। तो CSIR जो है लॉन्च करी है एक आपका प्रोग्राम जिसका नाम है स्नोएक्स। सेकेंड है कि ये जो मिशन है ये यूटिलाइज करेगी एक सूट ऑफ एयरबॉर्न इंस्ट्रूमेंट, ग्राउंड मेजरमेंट और कंप्यूटर मॉडलिंग जिसके थ्रू स्टडी कर पाएंगे
लिए वो साउंड वाटर सॉरी स्नो वाटर इक्विवेलेंट होगी, वो भी स्नो रिच एरिया में। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो इस स्नो एक्स के बारे में अगर बात करूँ तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो हमारी करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गई। ओके, तो अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो थोड़ा बहुत तो आप लोग गलत कर दोगे। तो यहाँ पे आपका CSIR नहीं है, सबसे पहली बात है कि ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बात तो यही है कि यहाँ पे देखा जाता है कि स्नोफॉल जो होती है तो उसमें कितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है विंटर में और कितना ज़्यादा आपका वाटर प्रेजेंट होता है जब ये मेल्ट हो जाती है स्प्रिंग में। साथ ही आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जियोग्राफिकल फोकस अगर हम लोग स्नो एक्स का देखें तो नॉर्थ अमेरिका है। तो नासा ओवरऑल टारगेट कर रही है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज़ देखेगी और ग्लोबल जो स्नो वाटर है उसको मैप करेगी कि ये इक्विवेलेंट होगी, वो भी यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के साथ और मॉडल ट्रेड लीडिंग के साथ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है नेस्ट के बारे में, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़। तो इसके बारे में आपको तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको करेक्ट बतानी है। तो ये भी हम लोग जनवरी के जो विजन आइस की मैगजीन अगर हम लोग डिस्कस किए थे तो उसी बेस में आपको देखने को मिला होगा नेस्ट। तो नेस्ट है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़। तो ये एक तरीके का डिवीजन है जो कि एक नोडल पॉइंट जैसा काम करेगा, वो भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री में, सारे मैटर्स जो भी न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सेकेंड है कि ये हेल्प करेगी कि किस तरीके से हम लोग फॉरेन पॉलिसी को एक्सेस करें, इंटरनेशनल लीगल इम्प्लीकेशंस को, जो भी यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की होगी और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज की होगी। थर्ड है कि यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होगा नेगोशिएशन, जिसके थ्रू हम लोग इंडियन की इंटरेस्ट अगर मल्टीलेटरल फोरम में देखें तो उसको सेफगार्ड किया जाएगा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, G20 है, तो जहाँ पे रूल्स जो है वो गवर्न करती है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको इसको एक्सेस करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके नेस्ट के बारे में, आपको बताना कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को तीनों स्टेटमेंट बहुत ही नॉर्मल देखने को मिल रहा है और बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, तो डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि जो न्यू तरीके की आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती है उसके बारे में, यहाँ पे आपका जो है जो हम लोग देखते हैं इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सारे मैटर को यहाँ पे देखेगी कि किस तरीके से न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ निकल कर आ रही है। इसके थ्रू क्या होगा कि फॉरेन पॉलिसी को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, इंटरनेशनल जो लीगल इम्प्लीकेशन है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल लेवल पे क्या लीगल इम्प्लीकेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। साथ ही हमारे इंडियन को एक सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। तो रिसेंटली न्यूज़ में थी तो आपको बताना है कि ये है क्या। फर्स्ट है कि एबिलिटी है कि आप कितने दूर तक के सामान को देख सकते हो। सेकंड है कि एज रिलेटेड डिफिकल्टी हो जाती है कि आप बगल वाले जो पास वाले सामान होते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते हो। थर्ड है कि आइज़ है जिसमें कि रिफ्रेक्टिव एरर है। फोर्थ है कि आप देख सकते हो बिना किसी आइज़ के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि बिना किसी आइज़ के भी देख सकते हो। इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन कहते हैं। फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स ने ऐसा कहा है कि ब्रिटल स्टार्स की कुछ स्पीसीज़ है जो कि रिलेटिव है हमारे स्टारफिश की और वो देख सकती है, और उनके आइज़ भी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो देख सकती है। तो इसको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन कहा गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन नंबर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जितना भी इंपॉर्टेंट बोलूँ कम है, क्योंकि इसके कारण आज के डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और बहुत सारा आप लोग को सब पता है कि पूरे वर्ल्ड में ये आपका पैंडेमिक हो चुका है, कोरोना वायरस। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि जो कोरोना वायरस है एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है जो जिसके कारण इलनेस होती है, और ये कॉमन कोल्ड से आपका सीवियर डिजीज़ भी हो सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स भी होती है। सेकेंड है कि एक नोवल कोरोना वायरस जो है एक न्यू स्ट्रेन है जो कि प्रीवियसली हमारे ह्यूमन में आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था। थर्ड है कि अगर 2019 में देखें तो मैक्सिमम केसेस जो नोवल कोरोना वायरस का है वो रिपोर्ट किया गया है जापान में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सी है। तो आप लोग यहाँ पे अनुमान लगा ही सकते हो, एक स्टेटमेंट को आप लोग एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। तो ऑब्वियसली हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 2019 में मैक्सिमम केसेस जो है वो चाइना में देखने को मिला था। तो इसलिए थर्ड आप एलिमिनेट कर दो, आंसर आपकी फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कोरोना वायरस जो है एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है जो कि जिसके कारण इलनेस होता है, आपको कॉमन कोल्ड से लेकर सेवियर डिजीज़ भी होती है। एक तो है आपका मर्स कॉव और सेकेंड है आपका सार्स कॉव। तो ये है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये दोनों में से हो सकता है। अगर WHO के द्वारा देखें तो टोटल जो है 2022 ऑफिशियली रिपोर्ट आई है, एक कंफर्म केसेस है यहाँ पे COVID-19 का, जो कि चाइना में है, दो यहाँ पे थाईलैंड में है, वन यहाँ पे जापान में है और वन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। तो ये 20 जनवरी तक की रिपोर्ट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 10, जो कि एक और बीमारी है जो कि काफ़ी फेमस है, और ये है डेंगू। तो इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो हॉट वेदर और जो इंटरमिटेंट रेनफॉल है वो फेवर करती है कि एडिस एजिप्टिस को, और ये वेक्टर ट्रांसमिटिंग है, यानी कि डेंगू वायरस को ये वेक्टर ट्रांसमिटिंग है। सेकेंड है कि डेंगू जो है मोस्टली एक सिम्प्टोटिक आपका इन्फेक्शन है, और ओनली ये आपका फ्यू डेवलप करती है सेवियर डिजीज़ को।
थर्ड है कि WHO जो है हाईली रिकमेंड करती है कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को यूज़ करें, जैसे कि आपका नीला वेम्बू, कुदिनीर है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है, जो कि डेंगू को ट्रीट करती है। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना कि करेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट ऑनली है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है और फर्स्ट एंड सेकंड है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट बताऊँ तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि WHO ऐसा रिकमेंड नहीं करी थी। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। डेंगू एक एसेंशियल ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि हमारे कुछ कंट्रीज़ में है, यानी कि इक्वेटर के अगल बगल या फिर हॉट वेदर हो या फिर इंटरमीडिएट रेनफॉल वाले हो तो उस एरिया में आपको एडिस एजिप्टी है जिनके द्वारा ये आपका जो है डेंगू जो आपका बीमारी है उस वो इन्हीं के इस मच्छर के द्वारा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। डेंगू आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि इसमें आपका सिम्टम्स ज़्यादा होता नहीं है, ए सिम्टोमेटिक ये आपका इन्फेक्शन है और ये बस आपका फ्यू डेवलप्स ये जो है सिर्फ आपका फ्यू डेवलप सेवियर डिजीज़ के लिए है। जो कि बहुत ज़्यादा यंग है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड है लोग या फिर उनको जो क्रॉनिक एलमेंट है तो उनके पास ग्रेटर रिस्क है कि उनको इस तरीके का सेवियर डिजीज़ हो सकता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड केस अगर फैटलिटी रेट देखें तो ये 0.3% से भी कम है। तो एडिक्वेट और वेल फॉर्म्ड जो गाइडलाइन है कि किस तरीके से डेंगू को मैनेजमेंट करना है, तो ये केसेस जो है आपका WHO के द्वारा दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया गया। तो यूज़ है आपका कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का यूज़ करना है, जैसे कि ये है और ये है, तो ये रैम्पेंट है यानी कि लोगों के बीच में ये रैम्पेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके तो गाइस हमारे 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं, अब 11th क्वेश्चन नंबर से हम लोग कल देखेंगे। तो आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन से तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।